थोड़ा जी काम से हल्के हल्के फारिग हुए, तो मैंने सोचा माता जी से जरा मिल आए, तो इसलिए उनसे मिलने जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम की बातें भी करनी है, आपको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं, क्योंकि फिर राखी आ रही है ना, उसकी तैयारी भी करनी है। बाकी जी हमें ये भी कहा जाता है ना कि थोड़ा सा अपना लॉन साफ करो, अभी ये जंगल हो गया, लॉन मोवर लेना पड़ेगा, घास करानी पड़ेगी। तो हम यहाँ आए बहुत कम टाइम के लिए, और यहाँ पे ये किसी एक छोटी मोटी मशीन का काम तो है नहीं, हमें पूरी के पूरा जैसे कहते हैं ना बड़ा वाला ट्रैक्टर किराए पर लेके आना पड़ेगा और पूरी करनी पड़ेगी। और अभी इतने अपने को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इस चीज़ का, तो इसीलिए क्योंकि हम निकल ही रहे हैं और थोड़े टाइम में यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी, तो हमने ज़्यादा पेन इस चीज़ की ली नहीं, क्योंकि ओबियसली आप लोगों को पता है हम एक जगह ज़्यादा देर टिकते नहीं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। अरे सबर नहीं करता। अरे बिल्कुल तबले की ताल पे पहुंचे हो आप, जब क्रिकेट बजी है हैं। क्या है? ओ, एक मिनट, एक पहले एक इंफॉर्मेशन दे दे। अब कल हमने वीडियो बनाई थी घर जो हम देखने गए थे उसके बारे में, ठीक है। तो बड़े सारे कमेंट्स ये आए हैं कि भाई आप ये वाला घर क्यों नहीं खरीद लेते, भाई घर के साथ वाला। तो उसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ। दो तीन वजह हैं। पहली चीज़ ये कि ये 2018 या 19 का, तो ये हो गया पुराना और ये मिल रहा है 10,50,000 में। तो अगर आप हम $2,00,000 और डालें जहाँ पे 10,00,000 डाल रहे हैं, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू घर मिल जाए। दूसरी वजह यह है कि जो इसके फर्स्ट ओनर थे, जब उन्होंने ये घर खरीदा था, तो उन्होंने इसको रेंट पर्पस के लिए लिया था, तो उन्होंने अंदर बहुत सारे कमरे बनवा दिए थे, तो कोई खुली जगह नहीं है। 5 कमरे ऊपर, बेसमेंट नीचे, और इन्होंने ये जितने यंगस्टर्स हैं 18-19 साल के स्टूडेंट हो गए, यंग वर्किंग लोग हो गए, वो पूरा जैसे कहते हैं ना भानुमती का कुंभा इसके अंदर रहता था। तो फिर इसकी मेंटेनेंस या जो आप कह सकते हैं क्लिनलीनेस या सिचुएशन उस हिसाब से नहीं होगी जिस घर में एक फैमिली रही होती है। और तीसरी और सबसे बड़ी मेन वजह ये वाला घर ना खरीदने की है कि इस घर में ओपन टू अबव डबल सीलिंग नहीं है, जो सैंड्रा का मेन क्राइटेरिया है। वो कहती है मैंने ऐसा घर लेना ही नहीं जिसके अंदर इस तरीके का ड्राइंग रूम नहीं होगा। तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, पर रिक्वायरमेंट मैडम सैंड्रा की है कि ये ऐसा डबल खुली वाली जो सीलिंग होती है ना, बड़ी बड़ी खिड़कियों वाली ड्राइंग रूम एरिया में ये होनी चाहिए। बाकी माता जी जरा अंधेरा करके रखा है, तो सी बालो दीवे अभी उतर आए। और सुनाओ क्या चल रहा है? बस वो अभी सनी को फोन किया, पूछा। हाँ। वो निकल पड़ रहे हैं। अच्छा। चल रहे हैं, तो मैं कहा चल जब तक खाना वाना बना लूं। हाँ, तो कब तक पहुँचेंगे वो? वो 10:30। ओ, तब तक तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरे को जाना है, क्योंकि अंगद सिंह के घर। वजह यह है कि एक तो मेरे को उसकी बाइक पे थोड़ा सा हाथ साफ करना है, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लाइसेंस बना के रहा। वो तो चलो देखेंगे मौका लगता है कि नहीं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह यह है कि उसकी माता जी और उसकी सासू माँ दोनों पधार चुके हैं, तो उनसे मिलने जाना है। और वो कह रहा था मैं मोमोज लेने गया हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा मोमोज लेके, तो मेरे को घर पे ही मिल, मम्मी बुला रही है। मैंने कहा ठीक है जी। सैंड्रा घर पे काम शाम निपटा रही है आज, उसको थोड़े से काम थे तो, और उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ढीली थी, तो उसने कहा तू हुआ मैं ये काम निपटा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। आलू गोभी बन रही है लगता है। आलू गोभी और दाल। कौन सी? चने की घी वाली। अच्छा ठीक है। खाएगा? खा लेंगे। रुक जाओ। वैसे आपको मेरी फेवरेट पता है कौन सी है? मेरे को दालें वैसे थोड़ी, क्योंकि मेरे बचपन से मेरे माइंड में ना एक तरीके से दाल होती थी, अगर मैं पापा चिकन बना देता तो माइंड में आता था कि दाल कौन खाता है अगर चिकन बनाओ, तो मेरी साइकोलॉजी वैसे बिल्ड हो गई है। जैसे मम्मी ने बचपन से ही हमारी साइकोलॉजी ऐसे बिल्ड कर दी है कि भैया सिगरेट शराब बड़ी बेकार चीज़ होती है, इन चक्करों में नहीं पड़ना, एक बार आदत लग जाए तो छूटती नहीं है। ये बहुत बड़ा क्या इकलौता रीज़न है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी शराब क्यों नहीं पी, क्योंकि मम्मी ने हमारे सबकॉन्शियस के अंदर छोटे होते से इतना बारीक तरीके से ये चीज़ भर दी थी कि फिर हमें जब तक हम उस उम्र के पार ही हो गए कि जहाँ पे बंदा पीने शुरू करता है सिर्फ इस सोच में कि नहीं पीनी। और पर्सनली हमने उसको अपनी प्राइड से रिलेट कर लिया कि देखो जी हमने तो आज तक चखी भी नहीं है, तो उससे और उस चीज़ को तकवीयत मिली कि मैंने क्यों शराब नहीं पी। तो बचपन में अगर आप ऐसा करें तो कई बार चीज़ें सफल हो सकती हैं, बाकी इसका ठीक है गलत है वो मुझे नहीं पता, हमारे लिए ये चीज़ वर्कआउट करेगी, ठीक है ना माता जी। तो मैं बात ये कह रहा था कि दाल मेरी जो फेवरेट है वो है कौन सी? काली महाराजमा वाली। बेस्ट।
बाकी माता जी एक बात बताओ, अब अगर मैं कहूँ चलो मैं एक बार शराब पी के चख के देखना चाहता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो आपका क्या विचार है? अब मेरा ये है कि अब ना वो वाली उम्र निकल गई है जिसमें बंदे ज्यादा बिगड़ते हैं। अच्छा, तो अब अगर तू ना ले तो अच्छी बात है। अच्छा, है ना, अगर ले भी तो इतना मुझे भरोसा है कि वो दायरे में रह के लेगा। अच्छा, दायरे में रह के लेगा। माता जी आपको पता नहीं है, एक और चीज भी है कि मेरे से एडिक्शंस पे कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे एडिक्शन की खतरा रहता है। मैं तभी चाय कॉफी नहीं पीता क्योंकि मैंने मम्मी को देखा, मम्मी का अंजन ही नहीं चलता बिना चाय के, नहीं चाय डालनी पड़ती है। इतना टाइम निकल गया अब इस चीज से बचे ही रहो तो अच्छा। ठीक है, क्योंकि अब आप मेरी देख रहे हैं ना कि मेरे को वेट अगर मैं सुनूंगा वो खाना छोड़ना है, कार्ब छोड़ना है, कितनी मुश्किल होती है क्योंकि मेरी कमजोरी है। मैं एक्चुअली आप ये समझ सकते हो एक तरीके से फूड एडिक्शन से ही बैटल करता हूँ हर बार, क्योंकि मेरे को मन करता है रात को सोने से पहले भी कुछ खा लूँ, ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, मगर जब रूटीन में कट करना शुरू करूँ तो पहले एक हफ्ते के बाद बॉडी एकदम लाइन पे आनी शुरू हो जाती है। फिर बॉडी कहती है ठीक है अभी नहीं भी खाएगा तो काम चल जाएगा, मगर वो एक हफ्ते बाद फिर भी बीच में अगर खा लूं तो दोबारा उसी साइकिल में जाना शुरू हो जाता हूं। मेरे को लगता है कि शराब के साथ भी ये चीज ना हो जाए तो चलो अच्छा। हाँ, तो ये एडिक्शन ना ही हो तो अच्छा। आई देखो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से मम्मी ने बात करी है, पर ठीक है अपनी बात एंड में कर ली। और क्या, और कोई डंडा दे के दो, मैं मना कर नहीं सकती। कर सकते हो, ये आपका अधिकार बनता है। नहीं वो उम्र निकल गई। अच्छा, डंडों वाली मतलब डंडे मारे हैं आपने, बताओगे एक बार? हाँ, तेरे को जुतियां भी मारी है। सनी ने नहीं मार खाई ज्यादा, उसको सिर्फ एक बार पड़ा था। क्या पड़ा था? उसको बैट मारा था। कौन सा बैट? वो भी प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक के बच्चों वाले बैट आते हैं। और वो निकम्मा अभी तक सुनाता है कि आप मुझे मारते थे, आप मुझे मारते। मैं अगला बैट में सुना रहा है, मेरे को पता ना किस किस चीज से मारा है, मुंह में लाल मिर्च डाली है, वो तो कई बार बता चुका हूं मेरे मुंह से बीसी वाली गाली निकल गई थी, वो छोटे होते पता नहीं कहीं सुनी होगी मोहल्ले में, मम्मी ने शेल्फ पे बिठाया, लाल मिर्च की चम्मच मुंह में ठूस दी, मगर उसके बाद से मैंने आज तक पब्लिक में मतलब घर वालों के सामने कभी भी ऐसा मेरे मुंह से गाली निकली नहीं। दोस्तों कभी ये बार निकल जाए छोटी मोटी बात लगे, बट और क्या पिटाई करी आपने मेरी, कैसे मारा याद है? मैं बताऊं क्या, चांडा मारा होगा और क्या मारा? जो चाय सर्व करने वाली ट्रे होती है ना, दोनों अच्छा? हाथों से पकड़ पकड़ के मेरी पीठ पे मारी, फटाक फटाक। अच्छा, वो आवाज ज्यादा करती है, मारती लगती कम है। तो आनू लाग में खा गई जी, आवाज ज्यादा करती है, ये कब बात हुई यार? अरे वो प्लास्टिक वाली होती है ना, याद है तो इतनी नहीं लगती। ये तो होने तैयार है भाई तेरी जी। जो लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरा आईडी द ट्रैवलिंग देसी है, उनको तो पता होगा, मगर जो अभी तक नहीं करते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि नमकदानी है ना, खास मम्मी जो है इंडिया से लेके आई है, मुझे पता नहीं आपको पहले बताया या नहीं बताया, मगर ये मम्मी की शादी के टाइम की नमकदानी है जो इनको नानी जी ने दी थी, तो ये मम्मी ने अभी तक संभाल के रखी हुई है कि इनकी माता जी की याद है। ये योगा वाली बड़ी खास चप्पल है, एक्यूप्रेशर पॉइंट वाली। एक डेढ़ घंटे से जी अंदर बैठे हुए थे आंटियों के साथ, दोनों सासू माँ और माता जी दोनों के साथ, अंगद जी की गप्पे शप लग रहे थे फर्स्ट क्लास, और आंटी ने राजमा चावल बनाया था तो मैंने पैक करा लिए सेंड्रा के लिए। बाकी गराज तो काफी सफाई कर दिया आपने, बहुत साफ कर दिया, ऑर्गेनाइज हो गया यानी। बाकी बाइक शाइक का क्या सीन है फिर सर? अब अगली बाइक की ट्रिप कब है, मतलब हम कब हाथ साफ करेंगे? हाथ साफ आपके लिए तो हमेशा खुली है भाई, भाई जब मर्जी आ जाओ भाई। फिर देखो एक बार कोशिश मैं करता हूँ कि अगर कॉटेज का कुछ प्लान बन जाए ना बाय एनी चांस, तो बाइकों वाली फील लेनी है। फिर कोई चीज और दिखाता हूँ, मैंने ली है इस मोटरसाइकिल के लिए ट्रेलर है? बाइक का ट्रेलर यार, और ये लंबे वाला नहीं, हाँ नहीं नहीं दिखाता हूँ, लॉन्ग हॉल्स के लिए जाना है तो ये बड़ा मेरा बाइक का ट्रेलर। ओ तेरी, तो ये ले जाओ अपने साथ जहाँ लॉन्ग हॉल में जाना है, और ये लिए अंदर पूरी जगह रखने, पूरी लगेज के साथ लगेज डालो, कैंपिंग का सामान डालो जो मर्जी डालो, रास्ते में तुम कैंप करते हुए जाओ, फन करते हुए जाओ, पूरा तुम्हारे साथ पूरा सामान की कोई दिक्कत ही नहीं है बाइक में। और ये बना है बाइक के लिए हुआ है, स्पेशली डिजाइन बाइक के लिए हुआ है, और ये इसको बनाने वाली कंपनी भी अमेरिका में स्पेशल है, जो लोग ये सिर्फ बाइक के ट्रेलर डिजाइन करती है और बनाती है। ए सी लग रहा होगा, ये ए सी पड़ा
अच्छा ये बात ये इंट्रूडर के पीछे नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ गोल्डविंग के लिए, गोल्डविंग के लिए, गोल्डविंग के लिए उधर प्रॉपर हिच लगी पावर है, लाइट्स लगी है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी आंटी जो हमने आपके साथ वीडियो बनाई थी ना वहाँ पे आपके घर आए थे सुखविंदर वगैरह में, उसमें एक कमेंट आया था सबसे बढ़िया, उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ था कि ये वो आंटी है जो कभी पुलिस नहीं बुलाएगी। एक ने लिखा हुआ था आंटी की बार तो चोरी करने वाली है। जबरदस्त कलेक्शन आंटी, आंटी की बार तो चुराने वाली है। पढ़े यार नहीं कमेंट आपने। वो बहुत लाइक करी है सबने। हाँ जी, बहुत बहुत पसंद आई थी। बाकी मोमोज एंड राजमा चावल। मेक श्योर पापा एग्रीज टू आवर प्लान। ओके बाकी सर आपका ये फर्नीचर वगैरह कब आ रहा है कि अंदर से शूट करें? यार बस यार अभी ना मेरी बात हुई थी मैन्युफैक्चरर्स के साथ कि और 15 से 20 दिन में लोडिंग स्टार्ट करेंगे वो लोग। अच्छा, क्योंकि बीच में रमजान ईद आ गई थी ना, इसलिए फैक्ट्रीज वगैरह सारी भाई सर्दियों से पहले पहले पहुंच जाए, वरना तो क्योंकि वो सब सामान आएगा तो कंटेनर आएंगे। हाँ तो कंटेनर आएंगे तो कंटेनर फिर वो यहाँ पे कस्टम्स में कैसे देखेंगे? नहीं, कंटेनर्स आएंगे, कस्टम्स क्लियर करेंगे, कस्टम क्लियर करेंगे, वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट पर चढ़ेंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट वाले जो है यहाँ पर मेरे घर पे लेकर आएंगे, मेरे घर पे यहाँ पर फोर्कलिफ्ट होगा, हम वो उस कंटेनर ट्रेलर यहाँ छोड़ेंगे, वो उस ट्रेलर में से फोर्कलिफ्ट से सारा सामान अनलोड करेंगे, यहाँ डालेंगे, प्लस फिर मेरे कुछ और मेरे हेल्पिंग बडीज फ्रेंड्स सब आ जाएंगे इंक्लूडिंग यू, फिर हम वहाँ फिर ओपनिंग करेंगे। घर तक पहुँचाने का है सारा? नहीं मम्मी, वो लोगों उनका कुछ नहीं है, उन्होंने तो बना दिया फैक्ट्री में, बस खत्म। पर ये बताओ कि भाई साहब ये जो इतना खर्चा इन बाकी सारे कामों पे आएगा फर्नीचर के अलावा, फिर भी सस्ता पड़ रहा है कनाडा के मुकाबले? नहीं यार देख, मैं सच्ची बताऊँ, मैं सस्ते और महंगे के लिए नहीं गया था, तो टेस्ट के लिए मैं गया था, एक्चुअल प्रोडक्ट के लिए, फिनिशिंग की, फिनिशिंग की और जो बिल्ड क्वालिटी है, वर्कमैनशिप वो बहुत अमेजिंग है। Okay. और हमें मिलते हैं यहाँ पर ज्यादातर सारे बिल्कुल चाइनीज स्टफ। वो चाइनीज स्टफ क्या होता है कि वो फ्लैट पैक सिस्टम होता है कि एक कंटेनर में तुम डिसअसेंबल करके फ्लैट पैक करके जितना सामान ठोक सकते हैं ना वो ठूस के ले आओ, मॉड्यूलर टाइप। हाँ मॉड्यूलर स्टाइल। और वो मॉड्यूलर स्टाइल तुम्हें पता है छोटे बच्चों के सबके साथ इतना यू नो इट्स नॉट इट डजंट लास्ट यू लॉन्ग। इफ यू वांट रियली गुड क्वालिटी स्टफ यू गॉट टू गो टू एन एक्सोटिक प्लेस टू बाय एक्सोटिक स्टाइल स्टफ। अच्छा, तो वो फिर अपन ने उस चीज के लिए किया। और घर भी देखना, मोहित एक बार ही बनते हैं और बार बार तो बनते नहीं, तो जितनी जिंदगी भगवान ने लिखी है जब तक लिखी है तो उतने तक एंजॉय करो, खुश रहो, खुश रखो और खुश रहने दो। हम भी देख रहे हैं घर ऑलमोस्ट हो सकता है जल्दी फाइनल कर दे। ओ वेरी गुड। फिर उसके बाद अंदर अपग्रेड वगैरह सारे आप ही करोगे? ओ चिंता ना करो, चक देंगे फटे, अपना भी तो इतना भी और वीडियो और उसके साथ साथ वीडियो बना बना के लोगों को बताएंगे, देखो जी हमने ऐसे किया, ये था वैसे किया, प्लस लोगों की और हेल्प हो जाएगी। करेगा ना तब बताइए, तब उसके हिसाब से हम दिखाएंगे कि कैसे जो है दूसरी कंट्री से फर्नीचर सारा इंपोर्ट आके आता है, कैसे बनता है। बाकी ये यहाँ से अगर आपको पता नहीं इसके घर की साइज का अंदाजा लगे ना लगे, थोड़ा सा साइड पे अगर मैं जाके दिखाऊं तो शायद थोड़ा सा और पता लगेगा। ये बाकी इसका ट्रेलर पड़ा हुआ है, प्लस क्योंकि कॉर्नर वाला प्लॉट है ना तो ओवरऑल साइज जो है वो बहुत बढ़िया निकल आता है। और ये इसके घर की डेप्थ है, और कनाडा में जो बिल्डर बना के देते हैं उनमें जो सबसे बड़ी ऑप्शंस आती है ना वो होती हैं 50-foot लॉट की। तो जो मेरे भाई का घर है वो 35-foot लॉट पे बना हुआ है। आपको मैं कंपैरिजन के हिसाब से बनाऊं तो भाई ये 50-foot है ना लॉट, तो ये 50-foot लॉट है, और मेरे भाई का घर जो है दैट इज 2600 स्क्वायर फीट विदाउट काउंटिंग द बेसमेंट। और ये कितना है? ये विदाउट काउंटिंग द बेसमेंट 4200 स्क्वायर फीट। तो अगर हम बेसमेंट फिनिश कर देंगे तो बेसमेंट अनदर 1800 स्क्वायर फीट की है। हाँ। तो 1842 प्लस 1800 यू आर डाउन टू ऑलमोस्ट 6000 स्क्वायर फीट। और ये जैसे अब तो लाइटें वाइटें देख रहे हैं बाहर, सॉफिट लाइट्स वगैरह, ये हमने बाद में डाली है। अच्छा, और जब हम आए थे यहाँ पर तो हम पहले दिन ही हमने यहाँ पर क्रेन क्रून अपनी वो पूरी अरेंज करके लिफ्ट ट्रक अपना सारा चढ़ के ऊपर सारी लाइटें डाल दी घर के सारे आसपास। ओके। और ये बिल्कुल डाउन एंड डस्ट सेंसर पे लगी हुई है, शाम को 6 बजे ऑन हो जाती है, रात को 2 बजे बंद होती है। अच्छा। एक तो घर के एक्सेंट के हिसाब से अच्छी भी लगती है, प्लस कॉर्नर घर होने के कारण थोड़ी यू नो इट जस्ट एड्स अ लिटिल मोर सिक्योरिटी टू द हाउस जस्ट बिकॉज इट्स इन कॉर्नर, एवरीबॉडी इज इजीली एक्सेसिबल, जब तक फैंसी नहीं लगती तो यू नो बहुत अच्छा लगता है, घर की गेटअप बदल जाती है, स्टोन की लुक बदल जाती है। बाकी आंटी जब ये हो जाएगा ना सारा यहाँ ग्रीन पैचेस वगैरह बन जाएगा और महीने डेढ़ में यहाँ पर वो लोग अपनी सॉफ्ट स्केपिंग जो है वो सारी करने लगे, जल्दी करवा देख, नहीं जल्दी करवा सकते, अब जो बिल्डर के हिसाब से होगा वो होगा। भाई सरदार जी नई गाड़ी है, भाभी जी के लिए आपने? ये हमारी मैडम की गाड़ी है भाई। अच्छा, क्राइसलर, क्राइसलर पैसिफिका पिनेकल। अच्छा, हाइब्रिड, वेरी नाइस, प्लग इन हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड। हाँ जी, तो ये तो मतलब वो फिर टेस्ला की तरह चार्ज होती है क्या? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल चार्ज होती है, ये दिखाता हूँ मैं तेरे को। ओके, ये ठीक है भैया, परिवार बड़ा हो जाए तो वैन चाहिए। बिल्कुल भाई, है ना,
अच्छा ओके ये ठीक है, बिल्कुल चाहिए भाई, परिवार बड़ा हो जाए तो और सुखों से। अब इतनी परिवार में मम्मा भी यहाँ पर हैं तो सारे, हाँ। तो घूमने इकट्ठे जाना होता है, सही बात है, नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए, इसलिए फिर ऐसा होता है कि भाई सारे इकट्ठे ही हो जाए। तो मैंने कहा मैम को पता नहीं, कहती मेरे को गाड़ी चाहिए तो बिल्कुल एकदम ऐसी चीज मेरे को वैन वाली फीलिंग ना आए, हाँ। क्योंकि पहले हमने देखी मर्सिडीज की ML वाली थी, तो हाँ। 7 सीटर, पीछे जो है वो घुटने ऐसे लग जाते बिल्कुल, हाँ। फिर हमने देखी वोल्सवैगन की थी एक एटलस, अच्छा। उसमें भी पर उस वो हाइब्रिड नहीं थी, अच्छा। फिर ये देखी हाइब्रिड भी है। जैसे लेडीज के लिए बच्चों को लेके जाना खुली डुली गाड़ी, प्लस दूसरी बात ये है कि पेट्रोल का खर्चा नहीं करी यहाँ लगाई, क्योंकि ज्यादा एक चार्ज पे कितना चलती है, एक चार्ज पे 60 किलोमीटर दिखाती है, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये 55-52 चलती है, अच्छा बस, हाँ। क्योंकि लोकल के लिए क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड है ना, लोकल के लिए ठीक है, बच्चों की स्विमिंग क्लास है, जिमनास्टिक्स है, कराटे हैं, ये है वो है, वो सब कुछ जो भी क्लासे हैं ये इस पे यू नो अप एंड डाउन कर लेती है, और वो सबसे बेस्ट रहता है, और लोग 2 घंटे में चार्ज हो जाती है, फास्ट चार्जर लगाया हुआ है मैंने। ओहो क्या बात है, क्योंकि भाई यहाँ पे बच्चों के लिए ये वाली सीट जो है ना ये भी लगानी मैंडेटरी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है बीच में खड़े होकर खेल रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लगी तो भाई वो हजार से बच्चे गिर सकते हैं, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट का रूल है कि टिल अ सर्टेन एज कब तक, 5 साल तक 6 साल तक। यार ये ना एक्चुअली क्या होता है कि इनके वेट के हिसाब से और एज के हिसाब से होती है, अच्छा। वेट इतना बढ़ जाए तो कुछ होता है उससे, हाँ। कार सीट निकल जाती है, हाँ। फिर तुम बूस्टर पे आ जाते हो, ओके। बच्चा वो 10 साल तक आई थिंक रहता है कुछ ऐसा, पर आई एम नॉट श्योर, वो मेरे को याद नहीं, तानी को ज्यादा पता है, फिर वो बूस्टर भी हटके फिर तुम फ्रंट सीट पे बच्चा आ सकता है, तो यानी कि बच्चा हमेशा इसमें बैठेगा, टक्ड इन होगा, इसी के साथ जो बेल्ट जुड़ी होती है इसकी अपनी है, 3.3 पॉइंट सीट बेल्ट है इसकी, जैसे रेसिंग गाड़ियों की नहीं होती 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 3 पॉइंट पे होती है, पूरी एकदम यू नो ब्लॉक्स की वैन, कहीं जा नहीं सकता बच्चा, और अगर ये ना करें तो इसके फाइन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये सीधा फिर बच्चों की सिक्योरिटी का जो मैटर है उसके ऊपर आ जाता है, फिर वो ड्राइवर के ऊपर यू नो केयरलेस ड्राइविंग के चार्जेस पड़ते हैं, कि यू आर नॉट केयरफुल इनफ टू सिक्योर योर चाइल्ड इन अ कार सीट, दैट्स ट्रू, एग्जैक्टली। अच्छा जी, मतलब तूने फिर बिल्कुल ही लग्जरी वाला मॉडल ले लिया पूरा, वायरलेस हेडफोन्स, रिमोट्स, और दोनों स्क्रीन्स पे अलग अलग तुम्हारे एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑपरेट हो सकता है, अच्छा। यानी कि ये बेटी ये देख रही है तो वो देख रही है, नो आई वांट टू चेंज द कार्टून, पापा आई कैन नॉट चेंज द कार्टून, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो इधर अपने कार्टून देखे, वो अपनी उधर कार्टून देखे, ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। इलेक्ट्रिक मैंने जिंदगी कभी चलाई नहीं, कल चल चलाएंगे, अब लेट हो गया, मैं निकलता हूँ, बाकी थैंक यू भाई फॉर द फूड एंड एवरीथिंग, मिलते रहेंगे, और प्लान अब देखो वो जो मैं आपसे डिस्कशन करी है, अगर वो अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़े बहुत दिन निकाल लेगा चाय चू पीने के लिए, चाय चू नहीं, मैं तेरे को कह रहा हूँ 4 दिन तेरे लिए पूरे निकाल दूँ, तो चलने वाला बन, इसकी बाइक ट्रिक आ गई, हमारा एक प्लान बन रहा है उसके साथ जो है थोड़ी सी कोलिजन हो रही है, मगर मैंने बच्चों को समझा दिया है कि पापा को किसी भी तरीके से रेडी करना है हमारे साथ जाने के लिए, ट्रिप बन गई, और जेस्की का थोड़ा बहुत और उनको स्टंट देखने, तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब डबल करें, क्योंकि मजा आ जाएगा इस बार, अगर प्लान बन गया, इस बार ही मैं ट्यूब भी लेकर आया हूँ जबरदस्त, और इस बार ही अपन वो सर्फ बोर्ड भी लेकर आए हैं, तो चलो फिर इसने बता ही दिया हमारी कॉटेज का प्लान बन रहा है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।